अच्छा दिखते हैं नहीं, कंपाउंड नहीं चाहिए एक्चुअली, नो में मैंने कोई म्यूजिक ऐड नहीं किया, जिसमें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं वो बिल्कुल भी हॉन्क नहीं करते हैं एज अ कंपैरिजन टू इंडिया। आपको पता है कितनी हॉन्किंग होती है। एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, हो ची मिन्ह सिटी का। बहुत ज्यादा धूप है और बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ का नजारा, लाइक सुपर अच्छा है। यहाँ पे कार्स बड़ी अमेजिंग है, सिटी इज रियली क्लीन, बहुत फैंसी लोग हैं आई मस्ट से यार। इस ट्रिप की तीसरी फ्लाइट है, इससे ज़्यादा फ्लाइटें ले चुका हूँ, बट कभी भी मैंने अपनी लाइफ में ना शूज़ नहीं रखे हैं अपने चेक इन के टाइम। चेकिंग करवाते वक्त मुझे शूज़ भी रखने पड़े हैं। इस बार वेजेट की फ्लाइट ले रहा हूँ हो ची मिन्ह सिटी से दानांग के लिए। वन ऑफ द स्मूदेस्ट चेक इन आज तक का, सिर्फ 3-4 मिनट लगे और हमारा चेक इन भी हो गया और सीधा बोर्डिंग गेट पे पहुंच गए। ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, बिल है यहाँ का 4.5 लाख रुपये और एयरपोर्ट पे एज यूजुअल आपको भी पता है महंगा होता है। बट हाँ, जब भी वेजेट की फ्लाइट ले रहे हो और यहाँ से आ रहे हो तो राइट साइड से आप सीधा बोर्डिंग गेट पे पहुंच जाओगे, लेफ्ट साइड आपको चेक इन कराना होता है बैगेज, जो हमने बाद बोर्डिंग गेट पे ही कराया है, इसीलिए टाइम भी कम लगा। लेट्स सी, अब हम यहाँ से फ्लाइट ले रहे हैं। एज यू नो कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं होते, तो कनेक्टिंग फ्लाइट ले लेते हैं। तो अभी ये फ्लाइट जाएगी हमारी हो ची मिन्ह सिटी से दानांग। वेजेट की सीट कंफर्टेबल है, लकीली बहुत सारे ट्रेवलर्स हैं जिन्हें यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इसलिए फुली कंफर्टेबल तरीके का घर है। सबको एक 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 विंडो सीट, सब एक एक अलग अलग विंडो सीट पे बैठे हुए हैं। यार उस अंदर से जॉय इसीलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स लेना पसंद है डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों की, बिकॉज आपको न्यू पॉलिसीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पे जूते चेक कराने पड़े, दूसरा मुझे यहाँ पे मेल फ्लाइट अटेंडेंट दिखे जो कि मुझे कभी नहीं दिखे थे। गया हूँ अभी, वाइब आने लगे, साथ में आपको गोल्डन गेट दिखाने लगे हैं। लेट्स सी कि अभी हम कितने बजे तक चेक इन करके निकलते हैं आगे, आगे मैं अपडेट करता रहूँगा। ये हमारी कार फॉर्च्यूनर जैसी लग रही है, बहुत सेक्सी सी कार। दानांग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हम, इसका एयरपोर्ट का एक लुक बहुत सुंदर सा है। ये एयरपोर्ट प्रॉपर फीलिंग आ रही है कि हम फॉरेन गए हैं यहाँ से। सो मैं हॉस्टल पहुंच गया हूँ कोचिकी में, यह है दानांग में। अभी तक वाइब इज रियली अमेजिंग, जो हम वॉक के लिए निकले थे तो हमें ये छोटे स्टाफ फूड दिख गए, तो हम एक दो तोड़ने लगे, तो साथ में कुछ आंटियां आ गई हैं, उन्होंने हमारे को बहुत सारा काम दे दिया कि आप बहुत सारे तोड़ दीजिए।
फर्स्ट हमें लग रहा था कि आंटी ये अपने लिए तोड़वा रही हैं, हम एक दो तोड़ के हमें लगा कि आंटी आप वापस रख लीजिए, बस हो गया। लैंग्वेज डिफरेंस आने लगा तो हम समझ में नहीं आया, आंटी मोर करती हुई हमने सारे तोड़ दिए उनके। और एट द एंड आंटी एक पॉलीथीन लेके आई जिसमें वो भरने लगी एंड उन्होंने फिर लास्ट में हमको सारे पकड़ा दिए। फ्रैंकली स्पीकिंग जब हम ये तोड़ने लगे तो हमें इतना मज़ा आने लग गया बिकॉज हम दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं, तो सिर्फ हमारा कंपटीशन लग गया कि हम मैं तोड़ूं और तू कैच कर। सो कैच ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, मैं तोड़ रहा था फोकस कर रहा था कि एक हाथ से कैच कर लूं, और फ्रूट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए था हमारा। तो इट वॉज़ रियली फन। फ्रूट्स के साथ साथ हम अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करने लगे। सो आपको भी पता है जो एक प्लेयर होता है वो अपने स्किल्स कभी भी नहीं भूलता है। मेहनत का फल कुछ ज़्यादा ही अच्छा निकला हमारा। हमारे को इतने स्टार फूड्स उन्होंने गिफ्ट कर दिए, अब हम हॉस्टल में जाके ये डिवाइड बांट देंगे। जैसा कि हम इतने सारे स्टार फूड्स नहीं खा सकते थे तो हमें जो भी दिख रहे थे हम उनके हाथ में दो दो तीन तीन चीज़ें पकड़ाते जा रहे थे, सो कि हम ख़राब ना करें। तो एक आंटी हमें मिली जिन्होंने खाने का बेस्ट तरीका बताया और कैसे खाना चाहिए, वो दिखा रही हैं हमें अब। राहुल, सो दनांग के अंदर अब हमारा टाइम है बीच को एक्सप्लोर करने का। सिटी की बात करूँ इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू हो ची मिन्ह सिटी, ज़्यादा बिल्डिंग्स भी नहीं है। व्यू सो ये जो बीच है ये एग्जैक्टली लास्ट में है आपके सिटी के, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे कैफ़ेज़ और होटल्स और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और ये ड्रैगन ब्रिज से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है बस। कहते हैं बीच को एक्सप्लोर करने का